पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के सानिध्य में गोलाकोट एवं अतिशय क्षेत्र परचाई जी का भव्य पंच कल्याणक 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक संपन्न हुआ। पंच कल्याणक के दौरान अनेक अतिशय श्रावकों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोलह दिसंबर को प्रातःकाल राज्य में पूज्य श्री का मंगल विहार पंचराई जी से ललितपुर की ओर हुआ। पूज्य श्री विहार कर बड़ी बामौर के निकट एक ग्राम में पहुंच चुके थे। खनिया धाना एवं आसपास के समाज विहार के समय पूज्य श्री के पास पहुंचकर गोलाकोट के भगवान आदिनाथ की प्रतिमा की जानकारी दी। पूज्य श्री पंच कल्याणक स्थल से भगवान को गाड़ी में रखकर गोलाकोट लेकर पहुंच गए, परंतु श्रावक भगवान को जब लेकर पहुंचे तो वहां पर गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी। अनेक प्रयास के बाद गाड़ी ऊपर चढ़ी। गाड़ी से जब प्रतिमा उतारकर मंदिर के समीप रखी गई, उसके पश्चात जब प्रतिमा को वेदी से उठाकर विराजमान करने लगे तो प्रतिमा अपने स्थान से नहीं हिली। सैकड़ों लोगों ने मिलकर प्रयास किया, लोहे की रॉड, पाइप, लकड़ी लगाकर भी उठाने का प्रयास किया, परंतु प्रतिमा हिली भी नहीं। एवं ब्रह्मचारी अभय भैया जी प्रतिष्ठाचार्य एवं ब्रह्मचारी विनय भैया जी को भारीपन लग रहा था। Yeah.
ब्रह्मचारी जी एवं समाज के सभी पदाधिकारी संपूर्ण जानकारी देने पूज्य जंगल वाले बाबा के पास पहुँचे तो महाराज श्री भी विचार मग्न हो गए। सभी ने गोलाकोट वापस चलने का निवेदन किया। पूज्य जंगल वाले बाबा ने सभी से अगली सुबह वापस विहार करने को कहा। सत्रह दिसंबर को प्रातः 6 बजे पूज्य चिन्मय सागर जी ने अपना ललितपुर का विहार रोककर वापस गोलाकोट की ओर प्रस्थान किया। प्रातः काल ये दृश्य देखने के लिए हजारों श्रावक गोलाकोट में उपस्थित हो चुके थे। जैसे ही सुबह 9 बजे मुनि श्री जंगल वाले बाबा गोलाकोट पहुंचे, सारा गोलाकोट जंगल वाले बाबा भगवान आदिनाथ आदरणीय विद्यासागर जी महाराज के जयकारों से गूंज उठा। पूज्य जंगल वाले बाबा ने वहां आए लोगों को कहा कि आप लोग प्रयास करें तो लोगों ने प्रयास किया परंतु प्रतिमा अपने स्थान से नहीं हिली। फिर पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज स्वयं उठकर मंदिर जी के अंदर पहुंचकर साधना में लीन हुए। एवं साधना से उठने के पश्चात अपने हाथ से वेदी पर कुछ किया। Thank you.
पूछूंगी।